फ्रेंड्स, सो आज हम इस वीडियो में ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो सिंपथेटिक फाइबर्स होते हैं फ्रॉम सर्वाइकल टिल T5 तक, थोरैक्स के T5 तक जो सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, जो कि एक पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो सप्लाई करते हैं हर्ट को। एंड हर्ट में सिंपथेटिक फाइबर आपको पता है कि फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, हर्ट में जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड हर्ट से रिलेटेड ये जो बात है इससे। अगर बात करें ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का दूसरा नाम ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया भी है। इसको हम ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया भी बोलते हैं। एक पैथोलॉजिकल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है ये सब। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, ठीक है, काफ़ी टाइम। अगर हम बात करें तो टिपिकली ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया कब होता है, जब T6 के ऊपर लीजन होता है, T6 लेवल के ऊपर लीजन होता है, लीजन अबाउट T6। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमें पता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सर्वाइकल एंड टिल T5 थोरैक्स में, वो सप्लाई करता है हर्ट को, एंड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा हर्ट रेट को, ठीक है। एंड जो ये ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है ना, वो उसका जो इंसिडेंस है वो 45% है, 45% पेशेंट्स में देखने को मिलता है। बात करें मोर कॉमन एंड क्रोनिक स्टेज ऑफ रिकवरी, ये ज़्यादातर आपको क्रोनिक स्टेज में देखने को मिलता है, मोर देन 3 to 6 months आफ्टर इंजरी, इंजरी के 3 से 6 महीने के बाद क्रोनिक स्टेज में मिलता है, ठीक है। एक्यूट में भी मिलता है, पर क्रोनिक के कंपैरिजन में कम। ऑल्सो इट अकर्स इन अर्ली स्टेजेस इन SCI और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अकर, ये अर्ली स्टेजेस में भी होता है, ठीक है। मोर कॉमन इन कंप्लीट इंजरी, SCI की कंप्लीट इंजरी में जिसमें पूरा मोटर और पूरा सेंसरी जा रहा है, उसमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, बट इनकम्प्लीट में भी ये हो सकता है, ठीक है, इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। दिस क्लिनिकल सिंड्रोम प्रोड्यूसेस एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम नॉक्सियस स्टिमुलाई बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। क्या हो रहा है कि देखो T6 से ऊपर लेवल पे तो इंजरी है, ठीक है, अब बात करें T6 से नीचे अगर कहीं भी कोई भी नॉक्सियस स्टिमुलाई अगर पेशेंट को लगता है तो वो क्या करेगा, वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एंड उसकी वजह से सिंपथेटिक वहाँ पे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो कि क्या कर देगा, हमें पता है कि वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा क्योंकि वो हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं। दिस क्लिनिकल सिंड्रोम प्रोड्यूसेस एन अक्यूट ऑनसेट ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम नॉक्सियस स्टिमुलाई विच इज पेनफुल स्टिमुलाई बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। एफरेंट इनपुट्स फ्रॉम दीज स्टिमुलाई, ये जो नॉक्सियस स्टिमुलाई है जो कि बिलो द लेवल ऑफ द लीजन अगर पेशेंट को लग रहा है जिससे ऑटोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो वो जो इनपुट्स हैं जो भी स्टिमुलाई के, नॉक्सियस स्टिमुलाई के, वो रीच करते हैं लोअर स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर वाला तो सही नहीं है सर्वाइकल और थोरैक्स, क्योंकि वहाँ पे इंजरी हो रखी है, ठीक है, अबव T6। वो क्या करते हैं, ये जो इनपुट्स हैं स्टिमुलाई के वो अब लोअर थोरैसिक और सेक्रल एरियाज के पास जाएंगे। लोअर थोरैसिक और सेक्रल एरियाज क्या करेगा, दोनों मिला के मास लेवल का रिस्पॉन्स देंगे, क्या करेंगे, एलिवेट कर देंगे BP का, क्योंकि वो भी सिंपथेटिक फाइबर्स ही हैं, ठीक है, वो BP एलिवेट करेंगे। एंड नॉर्मली अगर लेवल ऑफ, अगर इंजरी नहीं है तो क्या होता है कि हर्ट का जो कैरोटिड साइनस और aorta है उसके जो इम्पल्सेज आते हैं वो सिग्नल करते हैं वॉसोमोटर सेंटर को, एंड वॉसोमोटर सेंटर जो है वो रीएडजस्ट कर देता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, मींस जो इंक्रीज हो रखा है BP उसको वो नॉर्मल डिक्रीज करता है वैसोडायलेशन करके। अब यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर इंजरी हो रखी है, ठीक है, अबव T6, इम्पल्सिस कैन नॉट पास। क्या होगा, इम्पल्सिस पास नहीं होंगे,
जो ये वाले इम्पल्स जा रहे थे वो पास नहीं होंगे, तो वो काउंटर एक्ट नहीं कर पाएंगे वैसो डायलेशन से, तो यहाँ पे वैसो डायलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ द इनिबिशन फ्रॉम हायर सेंटर्स, क्योंकि यहाँ पे इनिबिशन नहीं हो पा रहा है, वैसो डायलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सो इनिबिट नहीं हो पाएगा, तो जो हाइपरटेंशन है वो परसिस्ट करेगी, वो हाइपरटेंशन जो हो रही है वो परसिस्ट करेगी, ब्लड प्रेशर जो एलिवेट हो रहा है वो परसिस्ट करेगा, एंड अगर इसको ट्रीट नहीं गया उस टाइम पे, तो ये रिजल्ट कर सकता है सीजर्स में या कार्डिक अरेस्ट में या सब अरेक्नॉइड हेमरेज में या फिर स्ट्रोक में, और इवन डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। आई होप ये 5 मिनट्स का वीडियो आपके बहुत काम आया होगा, एंड ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे एमपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जो कि मेजरली यही होता है कि कौन से लेवल पे ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है, ठीक है, या फिर कौन से T6 के अबव लीजन्स क्या कॉज करते हैं, या फिर इस ये लेवल पूछेगा बेसिकली। सो ये तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये कि क्या हो रहा है, इसमें पूरा प्रोसेस क्या है, सो इसके लिए आपको ये सब जानना ज़रूरी है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।